Assalamu alaikum to all. Now today is another lecture from Animal Kingdom और आज हम पढ़ने वाले हैं the plant harmonics. तो इसका एक पहला वाला जो part था वो मैंने upload किया है. Now here's the second part. तो plant harmonics का second part क्या है? बहुत ही अब कम इसमें रह गया है कुछ plant harmonics के phylum में. थोड़ा बहुत जो रह गया है तो वो आज हम cover करेंगे इस वाले part. तो प्लैट हेलमाइंथस हमने देखा था कि हमने इनको कहा था प्लैट हेलमाइंथस को हमने कहा था कि इनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल साइड से फ्लैट होती है. तो जिसको हमने कहा था डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनड बॉडी इनकी होती है. और हमने कहा था जब हमने इनका हैबिटेट लिया था तो हमने कहा था कि जो ये प्लैट हेलमाइंथस होते हैं फ्लैट वर्म्स जो होती है इनका हैबिटेट फ्रेश वाटर भी है और ये एंडोपैरासाइट्स भी है. तो मैंने कहा था कि जो प्लैट हेलमाइंथस जो फाइलम है ये प्लैट हेलमाइंथस फाइलम तीन क्लासेस में डिवाइड हो गया है. एक तो मैंने कहा था टर्बुलेरियंस, उसके बाद ट्रमाटोडा और लास्ट वाला जो क्लास था दैट इज कैस्ट्रोडा. तो जो भी टर्बुलेरियंस है जिसमें प्लैनेरिया आता है जिनको हम प्लैनेरियंस कहते हैं जो ये टर्बुलेरियंस में प्लैनेरियंस आते हैं प्लैनेरिया आता था उसमें या डेग्यूसिया ठीक है वो किसमें आते थे वो सारे टर्बुलेरिया क्लास में आते थे. तो जो टर्बुलेरिया है ये फ्रेश वाटर्स ये एक्वाटिक होते हैं लेकिन ये एक्वाटिक में कहां पर किस पानी में पाए जाते हैं ये फ्रेश वाटर पानी में पाए जाते हैं. और मैंने कहा था कि जो प्लैनेरिया है प्लैनेरिया में हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन किन में है तो हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन प्लैनेरिया में पाया जाता है ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये प्लैनेरिया है प्लैनेरिया का मैंने आपको वो बॉडी स्ट्रक्चर भी बोला था. मैंने कहा था कि ये जो प्लैनेरिया है इसमें जो अगर मैं एज ए फाइलम की बात करूँ हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत से पढ़े थे. हमने कहा था कि इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है. ये ऐसा फाइलम है जिसमें पहली दफा बाइलेटरल सिमेट्री आ गई है. अभी तक हम रेडियल सिमेट्री पढ़ रहे थे जो टीनोफोरास एंड डायलियंस थे उनमें रेडियल सिमेट्री थी लेकिन ये ऐसा फाइलम है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिली. और इसमें जो ये सीलोम है ये एसिलोमेट्स है इनमें कोई सीलोम नहीं है. बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान कोई गैप कोई स्पेस नहीं है. तो ये भी कैरेक्टर हमने पढ़ा था. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने इनकी पढ़ी थी कि इनमें ऑर्गन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स हो गए हैं तो इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें मौजूद है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनका जो बॉडी प्लान है इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है. और इसके चलते चलते हमने फिर पढ़ा था कि इनमें जो नर्वस सिस्टम है मैंने कहा शायद मैंने नर्वस सिस्टम का नहीं कहा था वो आज मैं आपको बोलूंगा. तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये तीन क्लासेस है जो प्लैनेरिया है इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन है अगर हम चाहे इसको ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है. ये वाला पॉइंट मैंने आपको बोला था कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होती है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोली थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लैनेरिया में होती है दैट इज बाई अगर हम बाइनरी फ्यूजन ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन जब ये इसमें होता है तो उससे बाइनरी फ्यूजन से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. तो सेक्सुअली कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली ये एक हर्मोफ्रोडाइट होता है. प्लैनेरियंस हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं मोनोशियस होते हैं इनमें बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होती है और बट ये क्रॉस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन करते हैं. इनमें क्रॉस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाती है जिनमें ये प्लैनेरियंस में प्लैनेरियंस या एज अ फाइलम भी आप बोलो कि जो प्लैट हेलमाइंथस है क्रॉस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है. तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो हाँ उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ट्रमेटोडा है ट्रमेटोडा में मैंने कहा था कि ट्रमेटोडा में कौन से आते हैं ट्रमेटोडा में फ्लूक्स आते हैं लिवर फ्लूक्स वन ऑफ द एग्जाम्पल इज लिवर फ्लूक फैशोला. तो उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा था जो क्लास कौन सा है कैस्टोडा है कैस्टोडा में टेप वर्म्स आती है. तो उसके बाद मैंने टेप वर्म का आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि उसकी बॉडी में तीन हिस्से होते हैं देयर इज कॉलिक्स इज देयर नेक इज देयर एंड स्ट्रोबलाई इज देयर.
जो हेड रीजन था दैट मींस कॉलेक्स, उसमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें रोस्टेलम होता है, उसमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं। और जो नेक रीजन है, नेक रीजन में इमैच्योर प्रोग्लैंडिड्स होते हैं, सेगमेंट्स को प्रोग्लैंडिड्स कहते हैं, इमैच्योर प्रोग्लैंडिड्स होते हैं। फिर जो स्ट्रोबलाई पार्ट होता है, स्ट्रोबलाई पार्ट में क्या होता है, स्ट्रोबलाई पार्ट में मैच्योर प्रोग्लैंडिड्स होते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन जिन प्रोग्लैंडिड्स में हुई होती है। उसके बाद जो ग्रैविड प्रोग्लैंडिड्स होते हैं, वो टुवर्ड्स द टेल रीजन होते हैं, और ग्रैविड प्रोग्लैंडिड्स में मैच्योर दैट मींस जो अब राइपनड जो प्रोग्लैंडिड्स है, जिसमें एग फॉर्मेशन ऑफ एग्स हुई होती है, वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि जो टेल वाला रीजन होता है, जो ग्रैविड प्रोग्लैंडिड्स होते हैं, ग्रैविड प्रोग्लैंडिड्स क्या कहते हैं, इनकी ये टेल वाले रीजन से ये क्या लॉस हो जाते हैं। लॉस ऑफ द ग्रैविड प्रोग्लैंडिड्स फ्रॉम टेल रीजन इज नोन एज एपोलाइसिस। मैंने एपोलाइसिस कहा था कि एपोलाइसिस हो जाती है, और मैंने कहा था कि न्यू नए नए जो प्रोग्लैंडिड्स हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, वो नेक रीजन पर फॉर्म होते हैं, और उसको मैंने कहा था कि उसको हम स्ट्रोबलाइजेशन कहते हैं। स्ट्रोबलाइजेशन और एपोलाइसिस आपको समझ आ गई। उसके बाद मैंने कहा था कि जब एपोलाइसिस हो जाता है, तो ये जो टेप वर्म होता है, टेप वर्म का लार्वा विद द फीकल मैटर ये बाहर आ जाता है, जिसको मैंने कहा था कि हेक्साकेंथ लार्वा होता है ये। तो हेक्साकेंथ लार्वा में फिर ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ जाती है, तो हम उसको ऑन्कोस्पियर कहते हैं। फिर ये जाके वहां से जाके ये पिग्स में एंटर होता है, क्योंकि पिग्स फीड करते हैं ऑन द फीकल मैटर, और ये पिग्स में जाता है और पिग्स के मसल्स में ये पेंट्रेट करता है, ये इंटेस्टाइन्स को ब्रेक करके मसल्स पिग मसल्स में पहुंच जाता है, और पिग मसल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है इंटर सिस्टिसेरिया लार्वा में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो ह्यूमंस पिग मीट खाते हैं, तो उनमें ये फिर से आ जाता है। तो दैट मीन्स इस टेप वर्म का जो सेक्चुअल फेज होता है, वो प्राइमरी होस्ट कौन होता है इसका, मैन होता है, वाला सेकंड होस्ट इज पिग। तो यहां तक हमने पढ़ा था, तो अब आगे चलते हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं प्लांट हेलमिंथस के, और फिर हम पढ़ते हैं जो ट्रमेटोडा है, ट्रमेटोडा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लिवर फ्लूइड्स के बारे में। तो यहां पर प्लांट हेलमिंथस में पहली दफा जो नर्वस सिस्टम, अभी तक हमने सिंडारियंस और टीरोफोरियम में देखा कि सिंडारियंस और टीरोफोरियम में जो नर्वस सिस्टम था, एक्चुअली वो नर्वस सिस्टम वहां पर फॉर्म नहीं हुआ था, एक्चुअली वहां पर नर्व सेल्स थी, और वो नर्व सेल्स कैसी थी, एपोलर न्यूरॉन्स थे वहां पर। एपोलर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके पास एक्सॉन नहीं होता है, खाली सेल बॉडी होती है। लेकिन जो प्लांट हेलमिंथस एक ऐसा फाइलम है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन हो गई। अब देखो, अगर मैं प्लांट हेलमिंथस की यहाँ पर प्लानरिया ही बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस द प्लान एरिया, तो अगर मैं ये प्लान एरिया बना दूं यहां पर, देखो ये प्लान एरिया है, दिस द प्लान एरिया, इसकी साइड वाली बॉडी है। तो इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ पर नर्व सेल्स के सेल बॉडीज होती है, यहाँ पर नर्व सेल्स की सेल बॉडीज होती है, और जो नर्व सेल्स की सेल बॉडीज जब एक जगह क्लस्टर अप हो जाती है, तो उसको हम गैंग्लियॉन कहते हैं। तो नर्व सेल्स ने यहाँ पर क्या बनाया होता है, गैंग्लिया। तो गैंग्लिया मीन्स क्लस्टर, किसका होता है ये, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडी जो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। तो नर्व सेल की सेल बॉडी, नर्व सेल मीन सेल बॉडी कैसी होती है, ये देखो, दिस इज द न्यूरॉन, ये नर्व सेल है, दिस इज द न्यूरॉन, ये नर्व सेल है, और इसकी ये सेल बॉडी है, दिस इज नोन एज सेल बॉडी, और ये एक्सॉन है, और ये डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स। तो जो सेल बॉडीज होती है, सेल बॉडी एक ही जगह क्लस्टर हो जाती है, और इस क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियॉन कहते हैं। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ गैंग्लिया होगी, लेकिन फिर जो इन सेल बॉडीज से, हर किसी सेल बॉडी से एक एक एग्जॉन निकलता है, तो ये एग्जॉन्स ऐसे जाते हैं, ये एग्जॉन्स दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं,
इनका एग्जॉन यहां से जा गया, तो फिर आधे आधे सेल बॉडीज का एग्जॉन यहां से आ जाता है। तो यहां पर ये दो रॉड लाइक कॉर्ड्स बनाते हैं जिनको हम नर्व कॉर्ड्स कहते हैं। दीज आर नोन एज नर्व कॉर्ड्स। व्हाट इज अ नर्व कॉर्ड? नर्व कॉर्ड इज सिंपली क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स। जो एक्सॉन्स का क्लस्टर होता है, एक्सॉन क्लस्टर्स। तो एक्सॉन क्लस्टर्स उसमें होते हैं इन सेल बॉडीज, इन गैंग्लिया से, सेल बॉडी से एक्सॉन्स जो निकल गए उनने वो क्या हो गए, वो यहां से चले गए वेंट्रल, जो है वेंट्रल साइड से, ये वेंट्रल साइड से ये ऐसे चल रहे पीछे की ओर जा रहे। तो ये यहाँ पर नर्व कॉर्ड्स हो गए। तो गैंग्लिया से दो सॉलिड सॉलिड कॉर्ड्स, ये कोई हॉलो कॉर्ड्स नहीं होते, सॉलिड कॉर्ड्स निकलते हैं, दोज आर नोन एज नर्व कॉर्ड्स। तो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, जो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी होती है एक प्लेट हेलमाइंथस की, जो वेंट्रल सरफेस होती है, तो वेंट्रल सरफेस वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी से गैंग्लिया से एक्सॉन्स निकलते हैं। और वो एक्सॉन्स क्या बनाते हैं? वो एक्सॉन्स सॉलिड कॉर्ड्स बनाते हैं। दीज आर सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। तो सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स इनमें होते हैं, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स यहां पर जाते हैं। और ये देखो नर्व कॉर्ड्स पर यहां पर कुछ और यहां पर कुछ और न्यूरॉन्स होते हैं, और वो न्यूरॉन्स यहां पर इनके एक्सॉन्स, देखो इनके एक्सॉन्स ऐसे होते हैं। यहाँ पर और एक न्यूरॉन, उसका एग्जॉन यहाँ, एक न्यूरॉन उसका एग्जॉन यहाँ। तो ये वाला जो नर्वस सिस्टम यहाँ पर बन रहा है, ये जस्ट लाइक एज अ लेडर बन रहा है। बीच में भी न्यूरॉन्स है, वो आपस में क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लेडर लाइक नर्वस सिस्टम बन रहा है। तो प्लैट हेलमाइंथस में कैसा नर्वस सिस्टम है? लेडर लाइक नर्वस सिस्टम, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इनमें होता है। तो प्लैट हेलमाइंथस आर हैविंग लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। अब लेडर लाइक नर्वस सिस्टम में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है। नर्वस सिस्टम ऑफ प्लैट हेलमाइंथस, आपको याद रखना है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती है उनने गैंग्लिया बनाया होता है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स उनने गैंग्लिया बनाया होता है। उसके बाद गैंग्लिया से कॉर्ड्स निकलते हैं, नर्व कॉर्ड्स। व्हाट इज अ नर्व कॉर्ड? नर्व कॉर्ड सिंपली एक्सॉन के क्लस्टर्स। तो इन सेल बॉडीज से क्लस्टर वाइज एक्सॉन्स निकलते हैं, एक्सॉन्स निकलते हैं, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स बनाते हैं। वो नर्व कॉर्ड्स बनाते हैं लेकिन सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, लेकिन वेंट्रली, ये वेंट्रली जाते हैं, ये डॉर्सली नहीं है, ये वेंट्रली जाते हैं, क्योंकि डॉर्सली तो यहाँ से हो गए, लेकिन ये वेंट्रली रन करते हैं। ठीक है, तो वेंट्रली यहाँ से रन करके ये दोनों नर्व कॉर्ड्स, और इनके बीच क्या हो जाती है, इनके बीच कनेक्शन आ जाती है। कनेक्शन कौन इनके बीच कराता है? न्यूरॉन्स कराते हैं, और न्यूरॉन्स होते हैं जो इनके बीच कनेक्शंस कराते हैं। तो ये यहाँ पर एक ऐसा नर्वस सिस्टम बन जाता है जिसकी अपीयरेंस लेडर लाइक नर्वस सिस्टम की अपीयरेंस आ जाती है। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज आपको ये याद है, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। प्लैट हेलमाइंथस में सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें गैंग्लिया फॉर्मेशन हो जाती है, और सारे सिस्टम को हम लेडर लाइक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट, आई थिंक ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। दैट मींस अगर इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, दैट मींस इनमें फिर कोऑर्डिनेशन आ जाएगी। तो इनमें कोऑर्डिनेशन भी होती है। दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लैट हेलमाइंथस। ये तो प्लैट हेलमाइंथस, मैंने एग्जांपल प्लैनेरिया की दे दी। तो नर्वस सिस्टम इनका लेडर टाइप होता है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके रिलेटेड है, प्लैट हेलमाइंथस के रिलेटेड है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो ये एक ऐसा पहला वाला फाइलम है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप, जो अभी तक हमने टीनोफोरियंस पढ़े, पॉरिफेरा पढ़ा, सिंडारियंस पढ़े, उनमें जो एक्सक्रीशन हो रही थी या जो रेस्पिरेशन हो रही थी वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रही थी। लेकिन ये ऐसा पहला वाला फाइलम है जिसमें जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन के लिए इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होती है। उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, या उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स। तो एक्सक्रीशन कैसे होती है? बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल नोन एज फ्लेम सेल एक्सक्रीशन। तो प्लैट हेलमाइंथस में एक्सक्रीशन कैसे होती है? बाय फ्लेम सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखो।
ऐसे ऐसे ही इन पर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है, कैसे होती है, नर्वस सिस्टम कौन सा है, नर्व कॉर्ड इसमें वेंट्रल है कि डॉर्सल है, ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो एक्सक्रीशन कैसे होती है, थ्रू फ्लेम सेल्स, बाया फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन इनकी होती है। अब देखो फ्लेम सेल कैसी होती है, इट इज जस्ट लाइक दिस, फ्लेम सेल ऐसे होती है और इसमें कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है और यहां पर बहुत सारे सीलिया होते हैं, बहुत सारे सीलिया यहां पर होते हैं जो ऑलवेज वाइब्रेटरी मूवमेंट्स करते हैं। तो दिस इज द फ्लेम सेल, ये फ्लेम सेल। अब देखो फ्लेम सेल हमने इसको क्यों कहा, इसका नाम फ्लेम सेल क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो ये जो सीलिया होते हैं इसके यहाँ पर ये सीलिया है, दीज आर द सीलिया, ये सीलिया है, ये सीलियास ऑलवेज ऐसे ऐसे बीटिंग करते हैं, तो ऑलवेज ये इन मूवमेंट रहते हैं, बीटिंग करते हैं। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं इन सीलियास को बीट करते हुए, तो दे जस्ट अपीयर लाइक एज अ फ्लेम, तो ये फ्लेम की अपीयरेंस हमें देते हैं, इसीलिए इनका नाम फ्लेम सेल रखा गया। तो फ्लेम सेल्स क्या है, फ्लेम सेल्स वो पर्टिकुलर सेल्स है, वो इंपॉर्टेंट सेल्स है प्लैटेहेलमिंथस में जो एक्सक्रीशन के काम करती है। तो एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन दैट मींस रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स, वो कैसे होता है, थ्रू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल नोन एज फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन होती है इनमें प्लैटेहेलमिंथस। अभी यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो नर्वस सिस्टम हो गया इनका, और यहां पर हमने इनको इनकी एक्सक्रीशन भी देख ली कि एक्सक्रीशन कैसे होती है। अब देखो हम थोड़ा सा कैस्टोडा पर आते हैं, ये टर्मेटोडा पर आते हैं, लिवर फ्लूक्स पर आते हैं, लिवर फ्लूक, क्योंकि मैंने आपको टेप वर्म्स का भी सारा कुछ बोला था, अब लिवर फ्लूक्स रहेंगे, प्लानेरिया का भी मैंने सारा कुछ बोला था, अब लिवर फ्लूक्स रहेंगे, जिसको हम लिवर फ्लूक्स, लिवर फ्लूक को हम क्या कहते हैं, फैशोला, फैशोला, फैशोला को हम लिवर फ्लूक कहते हैं। तो ये जो फैशोला है, फॉर एग्जाम्पल दिस द शीप, ये एक शीप है, एक सेकेंड, सही है, दिस द शीप, अब इनके इतने बड़े कान नहीं होते हैं, छोटे ही कान, चलो ले लिया मैंने ये शीप, तो ये एक शीप है। तो जो फैशोला होता है, जो फैशोला होता है इसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं। ये लिवर फ्लूक जो है ये बेसिकली बाइल डक्ट, जो फैशोला कहां पर रहता है, शीप के बाइल डक्ट इन साइड, क्योंकि ये एक एंडोपैरासाइट है, तो ये शीप के बाइल डक्ट, ये शीप के बाइल डक्ट में हो जा, ये आ जाता है, दैट मींस इट लिवर्स इन साइड द शीप्स बाइल डक्ट, इसका इसकी जो लोकेशन है शीप के बाइल डक्ट के अंदर होती है। तो शीप का फॉर एग्जाम्पल दिस द लिवर ऑफ शीप, ये लिवर शीप का होता है, और यहां पर क्या है, यहां पर बाइल डक्ट है, ठीक है, तो यहां पर कौन सा होता है, यहां पर रह जाता है कौन, फैशोला, और फैशोला काम क्या करता है, ये लिवर रॉड करता है, ये इसके लिवर को खत्म कर देता है। फैशोला शीप के बाइल डक्ट में होता है एंड इट कॉजेस लिवर रॉड, ये क्या करता है, लिवर रॉड एक बीमारी है, ये कर देता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये एंडोपैरासाइट है, तो पैरासाइट्स ऑलवेज डिजीज कॉजिंग होते हैं, इसलिए मैंने कहा था प्लैटेहेलमिंथस बहुत ही गंदा फाइलम है, हेलमिंथस मींस डिजीज कॉजिंग, तो ये डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन इनमें भी प्लैटेहेलमिंथस में दो क्लासेस, एक तो ट्रोमेटोडा और कैस्टोडा, कैस्टोडा मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो आज ट्रोमेटोडा हम पढ़ रहे हैं। तो लिवर फ्लूक है, इसको हम लिवर फ्लूक फैशोला क्यों कहते हैं, ये एक एंडोपैरासाइट है, और लिव कहां करता है, ये इनसाइड बाइल डक्ट ऑफ शीप, और ये कॉज क्या कहता है, लिवर रॉट। अब देखो अगर ये इसके अंदर है तो उसके बाद ये थ्रू द फीकल मैटर, ये क्या करता है, थ्रू द फीकल मैटर ये बाहर निकलता है, तो दिस इज द फीकल मैटर,
ऑफशीट। तो इस फीकल मैटर में ये जो फैशोला है ये बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ मेरिसीडियम लार्वा। मेरिसीडियम लार्वा, तो देखो यहां से फीकल मैटर से ये फैशोला बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ लार्वा, दैट इज नोन एज मेरिसीडियम लार्वा। तो मेरिसीडियम लार्वा आ गया यहां पर। उसके बाद ये मेरिसीडियम लार्वा जो है ये कहां जाता है, इट विल एंटर, इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट तो शीप है, फैशोला का प्राइमरी होस्ट कौन है, शीप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो शीप में ही करता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज नोन एज द प्राइमरी होस्ट। देखो फैशोला अपनी जिंदगी दो होस्ट्स में गुजारता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल पार्ट। सेक्सुअल पार्ट किस में गुजारता है, शीप में गुजारता है, तो जिसमें सेक्सुअल पार्ट एक पैरासाइट गुजारेगा, तो दैट दैट इज नोन एज प्राइमरी होस्ट। तो सेक्सुअल फेज इस फैशोला का सेक्सुअल फेज किसमें कंप्लीट होता है, शीप में कंप्लीट होता है, तो इसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। जो असेक्सुअल पार्ट इसका होता है फैशोला का, वो किसमें कंप्लीट होता है, सेकेंडरी होस्ट में। कौन सेकेंडरी होस्ट, उसका नाम है स्नेल, फ्रेश वाटर स्नेल। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल दिस द स्नेल, ये स्नेल है, दिस इज स्नेल। तो स्नेल में ये स्नेल इसकी क्या है, दिस इज द सेकेंडरी होस्ट। और स्नेल में ये मेरिसीडियम लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट। उसके बाद स्पोरोसिस्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा में सर्कैरिया, और सर्कैरिया जाके बाहर निकलता है स्नेल की बॉडी से और ग्रास पर आ जाता है, और ग्रास में ये किस फॉर्म में आ जाता है, मेटा सर्कैरिया, मेटा सर्कैरिया। तो मेटा सर्कैरिया लार्वा, तो उसके बाद ये मेटा सर्कैरिया लार्वा वेट करता है जब तक तो कोई शीप आना जाए इस ग्रास को वो खाना जाए, और जब वो घास को खाता है तो ये मेटासर्कैरिया लार्वा फिर शीप की बॉडी में आ जाता है, और वहां फिर से क्या हो जाता है, फिर से ये लिवर में पहुंच जाता है, वहां से फिर से मेरिसीडियम लार्वा बन जाता है, फिर फीकल मैटर के थ्रू ये बाहर आ जाता है, फिर स्नेल में चला जाता है, स्नेल में कन्वर्ट होता है इनटू स्पोरोसिस्ट, फिर उसके बाद रेडी लार्वा, उसके बाद सर्कैरिया और मेटासर्कैरिया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको याद क्या रखनी है, एक तो आपने याद रखा कि वो फैशोला जो है ये, इसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं, और ये कहाँ रहता है, ये बेसिकली एक एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट ऑफ शीप, ये शीप के बाइल डक्ट में रहता है, और ये एक डिजीज काज करता है, दैट इज नोन एज लिवर रॉट, लिवर को खराब कर देता है। और अब देखो इसका जो ये जो मैंने लगाया यहाँ से, मेरिसीडियम नंबर वन पर है, उसके बाद सिनेल में कौन सा है, स्पोरोसिस्ट, फिर तीसरे नंबर पर रेडिया लार्वा, फिर चौथे नंबर पर सर्कैरिया, और फिर पांचवें नंबर पर मेटासर्कैरिया। तो इस पर कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि सीक्वेंस आपसे पूछी जाती है कि पहले मेरिसीडियम लार्वा है या पहले स्पोरोसिस्ट लार्वा है, तो ऑब्जेक्टिव आ जाता है आपको इसी पर कि इसमें सीक्वेंस आप बोलो कि सीक्वेंस क्या है, लार्वल स्टेज की सीक्वेंस क्या है। तो आपको याद रखना है कि पहले क्या आता है, मेरिसीडियम लार्वा, उसके बाद मेरिसीडियम लार्वा के बाद स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया लार्वा, और रेडिया लार्वा के बाद सर्कैरिया, और सर्कैरिया के बाद मेटासर्कैरिया। तो बस ये वाला ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव आ जाता है आपको राइट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस आपको चूज करनी होती है। वहां पर लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लू, लिवर फ्लू के करेक्ट सीक्वेंस लार्वल स्टेज की क्या है। तो आपको जब पता होगा कि नहीं पहले आता है मेरिसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्कैरिया और मेटासर्कैरिया, ठीक है। तो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लू, और लिवर फ्लू काम क्या करता है। ये तो यहां तक आई थिंक कंप्लीट हो गया, कौन सा, प्लैटेहेल्मिंथस यहां तक कंप्लीट है, और इसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जो आपको अब छूट रहा है। और उसके अलावा मैं आपको यहां पर एक और चीज बता देता हूं, देखो
जो टर्बलेंट, अभी हमने अगर मैंने अगर हमने लार्वा देखे, इनकी डेवलपमेंट में लार्वा आ जाते हैं, तो मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ प्लैट हेलमाइंथस में, कि इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हर कहीं पर हमने देखा, हमने कैस्टोडा में भी देखा कि वहां पर भी हेक्साकेट लार्वा है, वहां पर सिस्टेसेरिया लार्वा है, तो लार्वल स्टेज इनमें आ जाते हैं, लाइफ साइकिल इनमें लार्वल स्टेज आ जाते हैं। तो मैं लिखूंगा कि प्लांट हेलमाइंथस में क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, प्लांट हेलमाइंथस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और लार्वा इनमें बहुत सारे हैं, देखो लार्वा इसमें कितने हैं, इस वाले फ्लूक्स में कितने लार्वा है, बहुत सारे हैं। इसी तरह जरा अगर ये तो किसके लार्वा हो गए, ये तो हो गए ट्रमेटोडा, ट्रमेटोडा में फ्लूक्स की एग्जाम्पल हमने ले ली, उसमें बहुत सारे लार्वा आ गए। कैस्टोडा में हमने किसकी एग्जाम्पल ले ली थी, कैस्टोडा में हमने टेपवर्म्स की एग्जाम्पल ली थी, टेपवर्म्स में भी बहुत सारे क्या है, बहुत सारे लार्वाज हैं, जिसका एक है हेक्साकेंथ और सिस्ट सेरिया लार्वा। इसी तरह टर्बुलेरियंस, टर्बुलेरियंस, टर्बुलेरियन क्लास जो है, जिसमें प्लानेरियंस आते हैं, उसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, उसमें भी लार्वा लार्वल स्टेज आते हैं, और टर्बुलेरियंस में जो लार्वा फाउंड किया जाता है, दैट्स नोन एज मिलर्स लार्वा, मिलर्स लार्वा। तो टर्बुलेरिया में कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है, मिलर्स लार्वा प्रेजेंट होता है। और एक पॉइंट मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं, टर्बुलेरियंस को हम एडीवर्म्स कहते हैं, एडीवर्म्स, टर्बुलेरियंस, टर्बुलेरियंस आर नोन एज एडीवर्म्स। तो एडीवर्म्स हम किनको कहते हैं, टर्बुलेरियंस को हम एडीवर्म्स कहते हैं। 27 मिनट्स हो गए यहां तक, 27 मिनट्स का भी क्लास हो गया है, तो ये छोटा ही था आज क्लास। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूं, तो टर्बुलेंस को हम क्या कहते हैं, एडीवर्म्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज एडीवर्म्स। और देखो मैंने पहले ही कहा था कि एक और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कहा था पहली प्लैट हेलमाइंस में, ये तो एक ऑब्जेक्टिव आपका आ गया है, दिस द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहां पर है। दूसरा ऑब्जेक्टिव फ्लेम सेल्स पर है, वो भी मैंने आपको बोला था। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज प्लैनेरियंस, पावर ऑफ रिजनरेशन, तो पावर ऑफ रिजेनरेशन, हाईएस्ट पावर, यहां पर मैं लिखूंगा हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ रिजेनरेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ रिजेनरेशन किसमें होता है, प्लानेरिया में, प्लानेरिया, प्लानेरिया में सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ रिजेनरेशन है। और प्लानेरिया में ये पावर ऑफ रिजेनरेशन कौन सी सेल्स, ये पावर ऑफ रिजेनरेशन रिजेनरेटिव सेल्स कौन होती है, इसमें दो सेल्स आर नोन एज नियोब्लास्ट सेल्स। तो नियोब्लास्ट सेल्स ऐसी सेल्स है जो इसको रिजनरेशन में मदद करती है, नियोब्लास्ट सेल्स आर रिजनरेटिव सेल्स ऑफ प्लानेरियंस, प्लानेरियंस में सबसे ज्यादा। वरना देखो, वरना मैंने कहा था कि हमने रिजनरेशन पावर पहले भी पढ़ा है, जो हाइड्रा में हमने पढ़ा है रिजनरेशन, उसमें भी होती है, बट सबसे अगर ऑब्जेक्टिव आ गया, वहां पर हाइड्रा भी मौजूद है और प्लानेरिया भी मौजूद है, और ऊपर क्वेश्चन आएगा Which among the following is having the highest regeneration power? तो उसमें है प्लेनेरी, उसमें हाइड्रा नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रा में भी रिजर्वेशन है, बट सबसे ज्यादा हाइस्ट पावर ऑफ रिजर्वेशन इज फाउंड इन द प्लेनेरियंस। और प्लेनेरियंस में कौन सी रिजर्वेटिव सेल्स होती है, नियोब्लास्ट सेल्स आर रिजर्वेटिव सेल्स विच आर फाउंड इन प्लेनेरियंस। याद हो गया? और देखो अगर आपकी टेक्स्ट बुक में शायद फेशोला की लिवर फ्लू की डायग्राम दी गई, तो लिवर फ्लू की डायग्राम ऐसे है वहां, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं सारा कुछ आपको टेक्स्ट का पढ़ा रहा हूं। तो इसको हम कहते हैं वेंट्रल सकर, एक सकर होता है जिसे दोनों एज वेंट्रल सकर, ये है एंटीरियर सकर, दिस इज नोन एज एंटीरियर सकर, और एंटीरियर सकर में ही इसका माउथ होता है, यहां पर देयर इज माउथ,
और एलिमेंट्री कैनाल ऐसे होती है इसकी। एलिमेंट्री कैनाल तो आपको पता ही है, इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये लीफ लाइक होता है। फैशोला कैसा होता है? इट इज लीफ लाइक। फैशोला लीफ लाइक होता है, इट इज लीफ लाइक। और ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मीन्स इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्टेस। प्राइमरी होस्ट इज शीप एंड सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। यहां तक क्लियर है? अब देखो और एक पॉइंट मैं यहां पर एड कर देता हूं। टीनिया सजनेटा, टीनिया सजनेटा, टीनिया सजनेटा, ये किस में आती है, किस क्लास में ये आते हैं? दीज आर नोन एज टेपवर्म्स, टीनिया सजनेटा और टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम को हम पोकवर्म कहते हैं, इट इज नोन एज पोकवर्म। और टीनिया सजनेटा को हम बीफवर्म कहते हैं। Tinea saginata is known as beef worm and Tinea solium is known as pork worm. ये आप याद रखो। Tinea solium क्या है? Pork worm है। हाँ, जो pig का meat खाता है तो वो basically Tinea solium उसमें घुस जाती है। तो जो beef खाता है तो उसमें Tinea saginata आ जाती है। तो Tinea saginata is known as beef worm और Tinea saginata ज्यादा से ज्यादा जो डिजीज होती है वो टीनिया सजनेटा काज करती है एज कम्पेयर टू टीनिया सोलियम। बिकॉज जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीफ ईटर्स मौजूद होते हैं, इसीलिए टीनिया सजनेटा काज ज्यादा डिजीज करती है एज कम्पेयर टू टीना सोलियम। तो ये आपका हो गया फाइलम प्लैटिहेलमिंथेस कंप्लीट। और आई थिंक कल शायद कोई क्लास व्लास नहीं होगी। और ये तो प्लैटिहेलमिंथेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अब जा रहे हैं एस्केलेहेलमिंथेस पर, जिनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। तो राउंड वर्म्स और अब कुछ ही फाइलम्स रह गए हैं। आई थिंक फोर्थ सिक्स लेक्चर्स अब इसमें एनिमल किंगडम में लग जाएंगे, तो ये एनिमल किंगडम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा आप एक काम किया करो कि जो भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो आप चाहे आप एप्लीकेशन पर देख रहे हो और डायरेक्टली आप यूट्यूब पर देख रहे हो, मेरी चैनल जो यूट्यूब पर है, तो ट्राई टू शेयर दीज वीडियोस, इन वीडियोस को मेरी चैनल को शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार बड़ी मेहनत लगती है इनको। अब अगर आप थोड़ा सा हेल्प कर दोगे वहां पर तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहां तक ये कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल चलते हैं।